नमस्कार, मैं हूं विजया और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। संजय दत्त हिंदी सिनेमा के संजू बाबा एक ऐसा नाम है जो बहुत कंट्रोवर्शियल रहे हैं। वो एक मशहूर अभिनेता निर्माता हैं, लोग उन्हें प्यार से संजू बाबा, डेडली दत्त, मुन्ना भाई भी कहकर पुकारते हैं। वो पॉलिटिक्स में भी कुछ समय के लिए अपना हाथ आजमा चुके हैं, लेकिन 1993 में हुए मुंबई बम ब्लास्ट की वजह से वो खासे चर्चा में रहे। उन पर आरोप था कि उस दौरान उन्होंने अपनी आत्मरक्षा के लिए गैर कानूनी तरीके से अपने पास हथियार रखे। उन्होंने लगभग हर शैली की फिल्मों में काम किया, चाहे वो एक्शन हो, कॉमेडी हो या फिर रोमांस। संजय दत्त के चलने का अंदाज भी आज लोगों को दीवाना बना जाता है। आइए आपको बताते हैं उनकी जिंदगी के बारे में। संजय दत्त का जन्म 29 जुलाई 1959 को मशहूर फिल्म एक्टर्स सुनील दत्त और नरगिस के घर हुआ था। उनके पिता सुनील दत्त और उनकी मां नरगिस ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कई सुपरहिट फिल्में दी। उनकी शादी ऋचा शर्मा से हुई, लेकिन ब्रेन ट्यूमर की वजह से 1996 में उनका देहांत हो गया था। इस शादी से उनकी एक लड़की है जिनका नाम त्रिशाला है और वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ यूएस में रह रही है। इसके बाद संजय ने रिया पिल्लई से शादी रचाई, लेकिन उनका तलाक हो गया। फिर 2008 में गोवा में संजय ने मान्यता से शादी कर ली और 21 अक्टूबर 2010 को वो जुड़वा बच्चों के पिता बन गए। लड़के का नाम शहरान और लड़की का नाम इकरा है। संजय दत्त का करियर बहुत ही उतार चढ़ाव से भरा हुआ रहा। 1993 में हुए मुंबई बम ब्लास्ट की वजह से उन्हें कई बार जेल के चक्कर काटने पड़े। इस वजह से उन्होंने अपने फिल्मी करियर में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, साथ ही पर्सनल भी वो बेहद परेशान रहे। बाल कलाकार के रूप में संजय पहली बार फिल्म रेशमा और शेरा में दिखाई दिए थे, लेकिन लीड अभिनेता के तौर पर उनकी पहली फिल्म रॉकी थी जो उस समय की सुपर डुपर हिट फिल्म रही। उसके बाद उन्होंने कई सुपर हिट फिल्में दी और लगभग हर अच्छे अभिनेता के साथ काम किया, लेकिन फिल्म खलनायक में निभाया उनका बल्लू का किरदार आज भी सबके जहन में ताजा है। फिल्म वास्तव में उनके अभिनय को बेहद सराहा गया और जिसके लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। संजय दत्त बॉलीवुड के एक मशहूर फिल्म स्टार है जिन्होंने कई प्रसिद्ध पुरस्कार भी प्राप्त किए। पर्दे पर और असल जिंदगी में भी लोग इनके व्यक्तित्व के प्रति बहुत आकर्षित होते हैं। संजय दत्त के लिए प्रसिद्ध अभिनेता बनने का सफर आसान नहीं था। संजय दत्त की शुरुआती जिंदगी में कई घटनाएं घटी। कैंसर की वजह से मां का देहांत हुआ, जिससे संजय को गहरा सदमा लगा और टीनेज में ही उन्होंने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया। एक सुपरस्टार का बेटा होने के नाते इन पर काफी दबाव पड़ने लगा और फिर इन्हें टेक्सास पुनर्वास के लिए भेजा गया। इसके बाद भी संजय दत्त की परेशानियों का सिलसिला जारी रहा। इनकी पत्नी ऋचा शर्मा की ब्रेन ट्यूमर से उनकी मौत हो गई और संजय दत्त अपनी बेटी त्रिशला की कानूनी हिरासत की लड़ाई हार गए और इनकी दूसरी पत्नी रिया पल्लई से तलाक हो गया और इस तरह इनके परिवार को भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। 1993 में टाटा बम विस्फोट के मामले में इनकी कथित भागीदारी और अवैध हथियार रखने के आरोप में संजय दत्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, जिससे इनको गहरा मानसिक आघात हुआ। हालांकि संजय के नेवर गिव इन आदर्श ने इनके लिए एक शानदार वापसी का मंच बनाया, जिससे इनकी बॉक्स ऑफिस पर कई फिल्में हिट हो गईं। अपने अभिनय करियर का तेजी से निर्माण करते हुए संजय की परिपक्वता और इनकी बहुमुखी प्रतिभा को विभिन्न भूमिकाओं के माध्यम से देखा जा सकता है। एक्शन, कॉमेडी और रोमांटिक फिल्मों में इन्हें जमकर सराहा गया। अपनी पारिवारिक और बाहरी कठिनाइयों के बावजूद भी संजय दत्त हमेशा बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाते रहे। नाम, सड़क, वास्तव, मिशन कश्मीर, कांटे, मुन्ना भाई MBBS, मुसाफिर, जिंदा, लगी रहो मुन्ना भाई, संजय दत्त की बेहतरीन फिल्मों में शुमार हो चुकी हैं। फिलहाल साहिब बीबी और गैंगस्टर 3 में भी जबरदस्त नजर आ रहे हैं संजय दत्त। सबसे प्रभावशाली बॉलीवुड हस्तियों की शीर्ष 10 सूची में संजय दत्त को फिल्म उद्योग में इनके शानदार अभिनय और समर्पण के लिए कई पुरस्कारों से नवाजा गया। सुनील दत्त एक किस्सा कई बार सुना चुके हैं। एक बार कश्मीर में मजाक में उन्होंने संजू को सिगरेट पकड़ाई तो वो पूरी सिगरेट पी गए, जिसे देखकर वो हैरान रह गए। 1977 में संजय लॉरेंस स्कूल से 18 बरस की उम्र में घर लौटे। संजय का दाखिला मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में हुआ। यही दौर था जब संजू बाबा ड्रग्स की अंधेरी गली की तरफ रुख कर चुके थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि वो अपने कमरे में बंद रहा करते थे। नरगिस को इस बात का अंदाजा हो चुका था कि उनका बेटा शायद ड्रग्स लेने लगा है, लेकिन उन्होंने इसका जिक्र सुनील दत्त से नहीं किया।
और अब आपको बताते हैं कहानी उनके खलनायक बनने की। संजय दत्त की जिंदगी का एक और स्याह पन्ना पलटना बाकी था। 1993 में संजय दत्त आतिश की शूटिंग के लिए मॉरिशस गए हुए थे। भारत में 1993 में हुए बम धमाकों की जांच चल रही थी। सोर्सेस की माने तो पुलिस को पता चला कि संजय के पास AK-56 राइफल थी। संजय दत्त जब मुंबई लौटे तो उन्हें आतंकवाद निरोधक कानून टाडा के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद फिर बेल और फिर उसके बाद एक बार फिर जेल। पूरी जिंदगी उनकी यूं ही स्ट्रगल में बीतती रही। इनकी जिंदगी में मान्यता भी एक अहम स्थान रखती है। रिया से संजय का रिश्ता 2008 तक चला। इसके बाद संजय मान्यता प्राप्त हो गए। मान्यता यानी दिलनवाज शेख, जिन्होंने प्रकाश झा की फिल्म गंगा जल में एक आइटम सॉन्ग में डांस किया था और चर्चा में आई। संजय की मान्यता तो करीब आई, लेकिन बहनें प्रिया, नम्रता और जीजा दोस्त कुमार गौरव दूर हो गए। संजय मान्यता की शादी में दोनों बहनें शामिल नहीं हुई, लेकिन 2010 में जुड़वा बच्चों इकरा और शाहरान के जन्म के बाद दोनों बहनें करीब दिखीं। संजय दत्त के कई अफेयर सामने आए। माना जाता है कि उनकी लाइफ में कई महिलाएं थी, जिसमें से टीना, मुनीम, माधुरी दीक्षित, रेखा जैसे कुछ बड़े नाम शामिल हैं। फिलहाल जेल के बाद संजय ने खुद को पूरी तरह से बदल लिया है। उनकी बायोग्राफी संजू भी काफी चर्चा में रही। संजय दत्त एक बार फिर फिल्मों में पूरी तरह से एक्टिव है, साथ ही अपनी पर्सनल लाइफ में भी काफी खुश है। उनकी बेटी त्रिशला के साथ भी उनके रिलेशन ठीक हो गए हैं, जो बिगड़े हुए थे। तो ये है संजय दत्त की जिंदगी के अनछुए किस्से। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।